एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव तहसील बिलारी स्थित ब्लॉक कुंदरकी का गांव अहलादपुर पड़ा। लगभग 4000 की जनसंख्या वाली यह ग्राम पंचायत प्रधान अनीस के हाथों में है। इस ग्राम पंचायत की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, वहीं ग्राम पंचायत की ब्लॉक से दूरी 14 किलोमीटर नजर आई। इस ग्राम पंचायत में राशन कार्ड धारकों की कुल संख्या लगभग 370 है। वहीं गांव में गरीबों को मिलने वाले सभी तरह के लाभों से गांव वाले लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दी। पीने के पानी के लिए ग्राम प्रधान द्वारा गांव में लगभग 22 नलों की व्यवस्था करी गई है। साथ ही बिजली को भी भरपूर मात्रा में गांव में लाने के लिए लगभग 70 बिजली के पोल व 8 बिजली के ट्रांसफार्मर लगे दिखाई दिए। वहीं इस गांव में जूनियर व प्राइमरी पाठशालाओं में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 150 है, जिससे यह पता लगता है कि शिक्षा का स्तर इस गांव में औसत दर्जे का है। वर्तमान समय में इस गांव में सीसी सड़कें व नालियों का निर्माण भी ग्राम प्रधान ने कराया है। साथ ही ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द पैसा मुहैया कराएं, जिससे गांव में पंचायत घर व एक तालाब का निर्माण भी किया जा सके, जिससे ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों से मुक्त कराया जा सके। इसके साथ ग्रामीणों ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए बताया कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर है, जबकि यहाँ पर अभी तक कोई भी पंचायत घर नहीं बना है, जिससे ग्रामीणों को बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ के ग्राम प्रधान अपने विकास कार्य में अपनी भागीदारी पूरी तरीके से निभाते हैं। मैं अनीस आलम, ग्राम प्रधान अहलादपुर। मेरे गाँव में 15 आवास बन चुके हैं और 276 शौचालय बन चुके हैं। गाँव में सीसी टाइल्स का काम और नाली निर्माण का काम कराया गया है और तालाबों का कार्य कराया गया है। अभी भी गांव में सबसे बड़े तालाब की बाउंड्री का कार्य और उसमें जो कीचड़ रची हुई है उसका कार्य कराने में दिक्कत आ रही है। उसकी हो जाने से गांव के खेतों से मिट्टी कटान रुक जाएगा। प्राइमरी स्कूल की चार दीवारी का कार्य, टाइल्स का कार्य, शौचालय की मरम्मत आदि कराए गए हैं और अभी भी कार्य मतलब टाइल्स बिछानी बाकी है। उसके अंदर फर्श में टाइल्स बिछेगी और पानी की टंकी की व्यवस्था की जानी है। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का कार्य किया गया है, जो प्रगति पर है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत होती है।